सीतापुर में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी चक्रेश मिश्र ने निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं। कहां किसको भेजा है और किसको तैनाती दी है, इसके लिए आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियंशु मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं जानकारी के लिए। तो प्रियंशु जी बताएं, किस निरीक्षक और उप निरीक्षकों को स्थानांतरण करके कहां पर किसको भेजा है? जी निशांत, आपको बता दें कि एसपी चक्रेश मिश्र के सीतापुर आने के बाद ये पहली तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है सीतापुर के पुलिस विभाग में, और जो ये तबादला सूची है जो एसपी चक्रेश मिश्र के निर्देश पर जारी हुई है, उसमें कुल 25 प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं, जिसमें से 17 प्रभारी निरीक्षक और 8 उप निरीक्षक शामिल हैं। तो हम आपको अब बता देते हैं कि किस प्रभारी निरीक्षक को किस थाने का चार्ज दिया गया है। तो सबसे पहले जो प्रभारी निरीक्षक है अनूप कुमार शुक्ला, इन्हें थाना महोली से थाना हरगांव का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं विजेंद्र सिंह को प्रभारी निरीक्षक थाना महमूदाबाद से प्रभारी निरीक्षक थाना तंबौर भेजा गया है। अरविंद सिंह, जो काफी समय से थाना खैराबाद के प्रभारी निरीक्षक थे, वो उन्हें थाना रामकोट की कमान सौंपी गई है। इसके बाद सुरेश कुमार पटेल, जो थाना तंबौर के प्रभारी निरीक्षक थे, अब उन्हें संदना थाने की कमान सौंपी गई है। थाना संदना के प्रभारी निरीक्षक के तौर पर उन्हें नियुक्ति दी गई है। ओम प्रकाश तिवारी, जो प्रभारी निरीक्षक थाना संदना थे, उन्हें प्रभारी निरीक्षक थाना मिश्रिक का दायित्व दिया गया है। राजीव सिंह, ये प्रभारी थे साइबर सेल, इन्हें थाना पिसावा का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। भानु प्रताप सिंह, ये जो प्रभारी निरीक्षक थाना हरगांव थे, इन्हें अपराध शाखा ने भेजा गया है। जितेंद्र कुमार ओझा, ये मिश्रिक के प्रभारी निरीक्षक थे, इन्हें प्रभारी वीआईपी सेल या प्रोटोकॉल में भेजा गया है। राजेश कुमार, ये प्रभारी निरीक्षक थाना इमलिया सुल्तानपुर थे, अब इन्हें निरीक्षक अपराध थाना लहरपुर भेजा गया है। फिर उसके बाद भावनाथ चौधरी, ये प्रभारी थे शिकायत प्रकोष्ठ आईजीआरएस सेल में, इन्हें रामपुर कला थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। इसी तरह अमित सिंह भदौरिया, ये स्वाट के प्रभारी थे, इन्हें प्रभारी मीडिया सेल बनाया गया है। कौशलेश कुमार सिंह, ये प्रभारी एसजेपीयू थे, इन्हें अपराध निरीक्षक थाना मिश्रिक भेजा गया है। साबिर अली, ये प्रभारी निरीक्षक थाना एएसटी थे, इन्हें प्रभारी निरीक्षक थाना एएसटी के साथ साथ एसजेपीयू प्रभारी रिट सेल की भी कमान सौंपी गई है। यानी ये थाना एएसटी के प्रभारी निरीक्षक तो रहेंगे ही, इन्हें एक अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है, एसजेपीयू प्रभारी रिट सेल। विजय कुमार, ये निरीक्षक अपराध थे थाना कोतवाली देहात में, इन्हें निरीक्षक अपराध से थाना हरगांव भेजा गया है। कुंवर बहादुर सिंह, ये अपराध शाखा में थे, इन्हें प्रभारी आईजीआरएस शिकायत प्रकोष्ठ भेजा गया है। राम अवध चौहान, ये पुलिस लाइन में थे, इन्हें निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली देहात भेजा गया है। हरिप्रकाश यादव, इन्हें थाना बिस्वा से निरीक्षक अपराध थाना बिस्वा के पद पर भेजा गया, मतलब ये थाना बिस्वा में ही थे, अब इन्हें निरीक्षक अपराध थाना बिस्वा भेजा गया है। इसी तरह से हम उप निरीक्षकों की अगर बात करें निशान जी, तो दिलीप कुमार चौबे, ये प्रभारी थे रिट सेल के, इन्हें थाना अध्यक्ष मानपुर बनाया गया है। अरविंद कुमार, ये थाना अध्यक्ष मानपुर थे, इन्हें थाना अध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर बनाया गया है। जितेंद्र कुमार सिंह, ये एसओ रामपुर कला थे, इन्हें एसओ कमलापुर भेजा गया है। संजीव कुमार, ये एसओ रामकोट थे, इन्हें अन्य जनपद स्थानांतरण होने पर पुलिस लाइन से रवानगी दी है। संजीव कुमार पहले एसओ रामकोट थे, संजीव कुमार कुशवाहा, अब इनका अन्य जनपद में तबादला हो गया, ये देखना होगा कि किस जनपद में इन्हें तैनाती मिली है। सतीश चंद्र, ये एसओ कमलापुर थे, इन्हें वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना तालगांव भेजा गया है। फूलचंद सरोज, ये एसओ पिसावा थे, ये वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना रामपुर कला के पद पर भेजे गए हैं। इसके बाद राज बहादुर, ये वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना अटरिया में थे, इन्हें प्रभारी नारकोटिक्स सेल बनाया गया है। और इसके बाद प्रदीप कुमार दुबे, ये प्रभारी चौकी कस्बा थाना तंबौर से प्रभारी स्वाट भेजे गए हैं। और आपको बता दें कि प्रदीप कुमार दुबे जो है, ये लंबे समय तक सीतापुर की सिविल लाइन चौकी इंचार्ज भी रहे हैं। और ये जो तबादले हुए हैं 25, इसके अलावा हम आपको बता दें कि खैराबाद, महोली और महमूदाबाद जो थाना है, अभी यहाँ पर किसी को तैनाती नहीं दी गई है, किसी एसओ को तैनाती नहीं दी गई है। निशान जी, जी बिल्कुल, तीन थाने जो है अभी किसी एसओ को जो वहां तैनाती नहीं मिली है, और कुल निरीक्षक और उप निरीक्षक जो है तबादले हुए हैं। तो इस तमाम जानकारी के प्रियांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।
आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।